प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के मधुर और सामर्थी वचन का प्रचार आपके सामने करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का जिन्होंने आज का सुंदर दिन दिखाया और इतनी सुंदर शाम दी परमेश्वर ने कि हम उसकी स्तुति आराधना करने वाले हो पाए, क्योंकि हम हर एक क्षण के लिए उसका धन्यवाद हमें करना चाहिए, क्योंकि हर एक ब्लेसिंग्स वो हमारी जिंदगियों में देता है और उसके बदले में हमें सिर्फ क्या करना होता है, उसकी स्तुति आराधना करनी होती है। क्योंकि इस दुनिया में हम भेजे इसीलिए गए हैं ताकि हम उसकी स्तुति आराधना अपने दिल से अपने पूरे प्राण से करने वाले हो पाएं। तो आइए सबसे पहले उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे प्रार्थना के माध्यम से, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया होती है जिसके थ्रू हम अपनी बातें परमेश्वर तक पहुँचाते हैं और वचन के माध्यम से जो कि लिखा है उसके विश्वास करने से, उस वचन पर विश्वास करने से हमें क्या मिलती है, हमें आत्मिक तृप्ति मिलती है। तो हम उस आत्मिक मन्ना को आज के वचन के माध्यम से मिल बांट करके खाएंगे और अपने आत्मिक जीवन की तृप्ति करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का और उसके बाद उसकी स्तुति आराधना करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर, इतनी अच्छी सुंदर शाम के लिए परमेश्वर कि आपने हमें दोबारा से परमेश्वर ये मौका दिया कि हम आपके वचन का प्रचार करें, सुने परमेश्वर, आपके वचन पर चलें परमेश्वर। आज का जो भी वचन आपने निर्धारित किया है परमेश्वर, उसे हम अपनी जिंदगियों में अपनाएं और उसी पर चलें परमेश्वर, ताकि दूसरों के लिए हम एक ठोकर का कारण नहीं बल्कि परमेश्वर दूसरों को विश्वास के रास्ते में लाने वाले हो पाएं परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने इस पेज को क्रिएट किया जिसके वसीले से परमेश्वर आपके वचन का प्रचार होता है परमेश्वर। इस पेज पर परमेश्वर जो लोग जुड़े हैं परमेश्वर, उन पर अपना बहुत आयत का आशीष भरा हाथ रखिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर जो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है परमेश्वर, आप उनके साथ रहिए परमेश्वर, सबको नाम बनाम आशीष दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लिए परमेश्वर जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं परमेश्वर, हाई स्कूल के एग्जाम है परमेश्वर, इंटर के एग्जाम्स चल रहे हैं और जो भी होम एग्जाम्स चल रहे हैं परमेश्वर, उन सब बच्चों को परमेश्वर आप अपनी अकल समझ से भरिए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ हो ये परमेश्वर, परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति की आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर, ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर अंधेरे के रास्ते से हट कर परमेश्वर रोशनी में आने वाला हो पाए परमेश्वर। आज का जो भी आत्मिक मन्ना परमेश्वर आपने निर्धारित किया है वो हर एक की जिंदगी से बात करे परमेश्वर। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो जॉब के लिए परेशान है परमेश्वर, आप उनको बेस्ट जॉब परमेश्वर मुहैया कराइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के साथ होइए परमेश्वर, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है परमेश्वर, आप वो सही समय पर हमें देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आज पूरे दिन आपने संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आगे आने वाले समय में भी आप हमारे साथ रहेंगे परमेश्वर, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवनों में निरंतर पूरी होती रहे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए हम एक गीत के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जैसा लिखा है कि जब एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो वो क्या करता है, जैसे हमने पढ़ा भी हुआ है कि हम ये व्यवहारिक जीवन में भी पढ़ते हैं कि जब एक किसान अपने खेत में जब वो बीज बोता है तो वो क्या करता है, पहले उस खेत की बुआई करता है, गुड़ाई करता है। तो जो गीत होता है वो हमारे दिल रूपी खेत को तैयार करता है ताकि हम वचन रूपी बीजों को अपने दिलों में क्या करें, बो पाएं। और जब वचन रूपी बीज हमारे दिलों में बोए जाते हैं तब वो 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाते हैं, और जितने लोग इस बीज को खाते हैं अपने जीवन में तो वो भी क्या करते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति को करते हैं। तो आइए गीत के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो ही क्या है, स्तुति के योग्य है। तेरा लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू करता है पाप क्षमा।
मुझ में ही तो है मिल तेरी हाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिल तेरी हाई, तेरा लहू तेरा लहू, सूखे हुए तन में फूके ये जान, तेरा लहू है सबसे महान, सूखे हुए तन में फूके ये जान, तेरा लहू है सबसे महान, तेरा लहू है सबसे महान, जिंदा लहू जिंदा लहू, मुर्दों में फूके है जान, तेरा लहू तेरा लहू, मुर्दों में फूके है जान, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिल तेरी हाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिल तेरी हाई, तेरा लहू तेरा लहू, देता है हमको शिफा, तेरा लहू तेरा लहू, करता है पाप क्षमा, बहता लहू ये कहता है आज, ले लो मुझे और पालो शिफा, बहता लहू ये कहता है आज, ले लो शिफा, ले लो मुझे और पालो शिफा, बहता लहू बहता लहू, देता है हमको शिफा, बहता लहू बहता लहू, देता है हमको शिफा, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिल तेरी हाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिल तेरी हाई, तेरा लहू तेरा लहू, देता है हमको शिफा, तेरा लहू तेरा लहू, करता है पाप क्षमा, तेरा लहू देता है गवाही, तुझ में ही तो है मिल तेरी हाई, तेरा लहू देता है गवाही, तुझ में ही तो है मिल तेरी हाई, तेरा लहू। सच में उसका लहू जो है वो सूखे हुए तन में क्या कर देता है, जान फूंक देता है, और उसका ही लहू क्या है, सबसे महान है, जो मुर्दों में जान फूंकता है। बहुत सारी गवाहियां जो हम बाइबल में पढ़ते हैं और जो देखते हैं कि उसका लहू क्या है, हमारे लिए एक जीवन का स्रोत का काम करता है। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद हम आज के आत्मिक मन्ना को जो कि परमेश्वर ने ठहराया है उसे हम मिल बांट करके अपने आत्मिक जीवन की तृप्ति करेंगे।
धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने अभी तक हमें संभाल के रखा है, आगे भी आप हमें ऐसे ही संभाल के रखेंगे परमेश्वर। जैसा हम वचन में पढ़ते हैं, अगर मेरे नाम से दो या तीन उपस्थित होते हैं तो मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ परमेश्वर। हम मानते हैं और जानते हैं परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हैं और हर एक की जिंदगी से परमेश्वर आप बात कर रहे हैं परमेश्वर। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप हर एक की जिंदगी से बात करिए परमेश्वर, और परमेश्वर हर एक की जिंदगी को आप अपने हिसाब से परमेश्वर संभाल के चलाइए परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो हमारा वचन है वो हमें मिलता है पहले शैमुएल और उसकी 9th चैप्टर में। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, शाऊल के बारे में, और इस व्यक्ति के बारे में जान करके हम अपने जीवन में क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, आज हम इस बात पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी और उसके बाद एक एक वर्स को मैं आपके सामने समझाऊंगी, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम शाऊल से अपनी जिंदगी में सीख सकते हैं। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था, वह अपीहा के पुत्र बकोरोत का परपोता और सिरोर का पोता और अबियल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र है और शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इजराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे। यहाँ पर शाऊल का जिक्र है और उसके पिता जो कि कीश थे, वे एक बिन्यामीनी गोत्र के एक पुरुष थे, और यहाँ पर शाऊल के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही सुंदर था, बहुत लंबा था, और कैसे परमेश्वर ने शाऊल को इज़राइल का पहला राजा चुना, इस बारे में आज हम देखेंगे। बहुत बार हमारी जिंदगियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, और हम क्या करते हैं, उन परेशानियों में, उन तकलीफों में अपने विश्वास को खो देते हैं। जैसे कि शाऊल के जिंदगी में भी एक प्रॉब्लम आई जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और कैसे उसने उस प्रॉब्लम में भी अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसे इज़राइल का पहला राजा कैसे बनाया, तो इस बारे में हम देखते हैं। तीसरी आयत में हम देखते हैं, जब शाऊल के पिता कीश की गदियां खो गई तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदियों को ढूंढ ला। पहले जमाने में लोगों के पास धन संपत्ति हुआ करती थी, वो उनके जानवर हुआ करते थे। जितने जिसके पास जानवर होते थे वो उतना ज्यादा धनवान व्यक्ति माना जाता था। तो यहाँ पर शाऊल के पिता जो कि कीश थे, उनकी कुछ गदियां खो जाती हैं, और कीश जो है वो अपने पुत्र शाऊल को ये बोलते हैं कि तुम जाओ एक सेवक के साथ और क्या करो, गदियों को ढूंढ कर लाओ। यहाँ पर उसके घर में एक फाइनेंशियल लॉस हुआ था कि उसके पिता की गदियां खो गई थी। उस समय लोगों के पास जानवर हुआ करते थे जो उनके धन संपत्ति कहे जाते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल की लाइफ में तीन चीजें थी। पहली थी आज्ञाकारिता, वो अपने पिता के लिए क्या करता था, ओबीडियंट बच्चा था उनका, और वो उनकी आज्ञाओं को माना करता था। शाऊल ने ये नहीं बोला कि सेवक को बोल दिया कि जाकर तुम मेरे पिता की गदियां ढूंढ कर लाओ, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सेवक होते होंगे उस समय, लेकिन तब भी वो उसने क्या करा, अगर मेरे पिता ने कहा है कि जाकर मेरी गदियों को ढूंढ के लाओ, तो शाऊल खुद अपने सेवक के साथ जाता है उन गदियों को ढूंढने के लिए। बहुत बार क्या होता है कि हमने देखा है और पढ़ा भी है, और हमने बहुत मीटिंग्स में जाकर सुना भी है कि हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हमें बाइबल पढ़नी है, ये आज्ञाएं हमारे पिता के माध्यम से हमें दी गई हैं, लेकिन हम उन आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलते हैं, जो चीज़ें बाइबल में मना है हम वही चीज़ें करते हैं, हम आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं कि नहीं, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति था, उसे पता था कि अगर उसके पिता की गदियां खो गई हैं तो वो जिम्मेदारी शाऊल की है कि उस गदियों को, उन गदियों को वो ढूंढ कर लाए और अपने पिता को दे वापस। तीसरी चीज हम देखते हैं कि वो बहुत मेहनती व्यक्ति था, वो चाहता तो अपने बाकी सेवकों को भेज देता कि जाकर गदियां ढूंढ कर लाओ, मैं क्यों जाऊं, मेरे पास तो ऑलरेडी सेवक है। हम लोग बहुत बार अपनी लाइफ में ऐसे हो जाते हैं कि अगर हम थके हुए होते हैं तो हम सोचते हैं कि कल प्रार्थना कर लेंगे, या हम कुछ किसी काम में बिजी होते हैं तो हम सोचते हैं अरे ये काम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम प्रार्थना कर लेंगे,
परमेश्वर तो हमारी सुन ही लेता है, लेकिन हमें क्या करना है? अगर हमें परमेश्वर ने कोई काम सौंपा है, अगर हमें परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है कि हम दूसरों को अंधकार से रोशनी में लेकर आए, तो इस काम को हमें पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। इसके बाद हम देखते हैं चौथी आयत में, तब वे प्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शालीम नामक देश में भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गधियां ना मिली। यहाँ पर शाऊल की परीक्षा हो रही है, उसके धीरज की परीक्षा हो रही है कि वो तरह तरह के देशों में गया, लेकिन उसे वहां पर भी उसकी गधियां नहीं मिली। और लेकिन उसने अपना साहस नहीं छोड़ा, उसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। जैसे कि बहुत बार हम परेशानियों में पड़ते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन परेशानियों में डूबने लगते हैं, उन परेशानियों में खो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम उन प्रॉब्लम से कभी नहीं निकलेंगे, कभी दूर नहीं हो पाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही एकमात्र सहारा है। जैसे लिखा है ना बाइबल में, अगर तू विश्वास से कहेगा तो पहाड़ भी अपनी जगह से टल जाएगा। यहाँ पर विश्वास कर, लोग कहते हैं कि राई के दाने के बराबर विश्वास कर लो, राई के दाने के बराबर विश्वास करना है, लेकिन सॉलिड विश्वास करना है। आप कभी राई के दाने को देखिए, तो राई का दाना जब आप अपने उंगली में लेंगे और उसे दबाएंगे, उसे प्रेस करेंगे, तो वो आपकी उंगली में गड़ने लगेगा। कभी वो खुद से प्रेस करने पर पिचक नहीं जाएगा। यानी हमें विश्वास करना है, भले चाहे थोड़ा करें, लेकिन सॉलिड विश्वास करना है। डगमगाना नहीं है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, हमें अपने परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है, क्योंकि हमें पता है कि परेशानियां उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर परमेश्वर हमारी तरफ है, तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखेंगे कि पांचवी आयत में, तब वे सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने से साथ सेवक से कहा, आ हम लौट चले, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। यहां पर हम देखते हैं कि जब उसे गधियां नहीं मिली, तो अब उसे अपने पिता की चिंता हो गई। कहीं वो ये ना सोचने लगे कि हम भी खो गए हैं। क्या हम अपने आत्मिक पिता की चिंता करते हैं? सांसारिक पिता की चिंता तो सब करते हैं, पर हमें क्या करना, अपने आत्मिक पिता की चिंता करनी, हमें अपने आत्मिक पिता की बात माननी, हमें अपने आत्मिक पिता की आज्ञाकारिता में चलना है। इसके बाद छठवीं आयत में हम देखते हैं, उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। तब हम इधर चले, संभव है वे हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाए। यहाँ पर सेवक शाऊल को बोलता है कि मैंने सुना है यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो कि जिसका बहुत आदर मान है, और हमें उसकी तरह उसके पास जाना चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो शाऊल है वो बहुत विनम्र है, उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। उसने अपनी सेवक की बात मानी। वैसे ही विनम्र, वैसे ही व्यक्ति हमें भी अपने जीवन में बनना चाहिए। हमें भी सबकी बात माननी चाहिए। अगर कोई हमें अच्छी राह, सच्ची राह दिखाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस बात को मानना चाहिए, ना कि हमें अपने ऊपर घमंड करना चाहिए। क्योंकि इंसान तो कुछ भी नहीं है, इंसान क्या है, एक मिट्टी है, हम मिट्टी से बने और मिट्टी में मिल जाएंगे। घमंड किसी चीज का नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उस परमेश्वर ने हमें दिया है। इसके बाद हम देखते हैं सेवंथ आयत में, शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चले तो उसके लिए क्या ले चले, देख हमारी थैलियों में की रोटी चुक गई और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं, जो हम परमेश्वर के उस जन को दे, हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर वो अपने सेवक से डिस्कस करता है कि हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या लेकर जाना चाहिए। इस समय एक बात पता चलती है कि अगर हम परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, तो हमें उसकी कीमत अदा करनी है। उसकी कीमत हम कैसे अदा कर सकते हैं? क्या पैसों से अदा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो चीजें तो सब परमेश्वर की दी हुई हैं। हम उसकी कीमत कैसे अदा कर सकते हैं? पूर्ण समर्पण के द्वारा, प्रार्थना में बने रहने के द्वारा, पूरे विश्वास के द्वारा। अगर हम विश्वास करते हैं, तो हम उस कीमत को अदा करते हैं। अगर हम पूर्ण विश्वास करते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम उस कीमत को अदा करते हैं। इसके बाद हम इसकी 8th वर्स में देखते हैं, सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो एक शकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वे हमको बताए कि किधर जाएं। इसके बाद हम 10th आयत में देखते हैं, तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चलें। अतः वे उस नगर को चले जहां परमेश्वर का जन था। अब शाऊल और उसके सेवक दोनों उस जगह चले जाते हैं जहां पर उस परमेश्वर का जन था।
इसके बाद हम 11वीं आयत में देखते हैं, उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकली थी। उनसे उसने पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया है, देखो वे तुम्हारे आगे है। अब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर पर आया हुआ है। ज्यों ही तुम नगर में पहुंचो, त्यों ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह ना पहुंचे तब तक लोग भोजन ना करेंगे। इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता, तब उसके बाद ही आमंत्रित लोग भोजन करते हैं। इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर शाऊल उस व्यक्ति के पास पूछते हुए पहुंचता है, यानी हमें हर वक्त सहायता की जरूरत होती है, पर हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? हमें सहायता इस वचन के माध्यम से मिलेगी। अगर आप किसी चीज में फंसे हैं, कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, कोई परेशानी है, तो आप इस वचन पर विश्वास करिए, इस वचन की बातों पर विश्वास करिए, इन बाइबल की वर्सेस को अपने दिल में बसाइए, तो देखिएगा आपको एक असीम शांति मिलेगी। वो शांति जो कोई नहीं दे सकता, ना तो कोई व्यक्ति, ना तो कोई रिश्तेदार दे सकता है, सिर्फ आपको वचन के माध्यम से शांति मिलेगी। और एक वचन के माध्यम से आपको एक सही मार्ग मिलेगा, क्योंकि जब हम परेशानियों में होते हैं, जैसे लिखा है बाइबल में, तब उसकी शक्ति हमें पूरी तरीके से पता चलती है, उसकी शक्ति हमें तब ज़्यादा महसूस होती है जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स में परमेश्वर हमें खाली नहीं छोड़ता, अकेला नहीं छोड़ता है, बल्कि हमें क्या करता है, अपनी बाहों में उठा लेता है। एक कहानी है कि एक व्यक्ति होता है, वो अपनी लाइफ की पहले की चीज़ें देख रहा होता है, और उसने हमेशा देखा होता है कि उसको दो पैरों के निशान हमेशा दिखते हैं अपनी लाइफ में, कि जब खुशी होती है तब उसको दो लोगों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है तब उसे पैरों दो लोगों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। एक दिन वो अपनी बीती लाइफ को देख रहा होता है, तो उसे दिखाई देता है कि जब कष्ट और प्रॉब्लम्स आती हैं तब वो पैरों के निशान दो की जगह एक हो जाते हैं। तो वो अपने परमेश्वर से पूछता है कि भाई परमेश्वर, क्या आप मुझे परेशानियों में छोड़ देते हैं, कि सिर्फ मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरे ही वो पैरों के निशान है? तो परमेश्वर उसे उत्तर देते हैं कि नहीं, उन परेशानियों में, उन कष्टों में जिसमें तुम्हें सिर्फ एक पैरों के निशान दिख रहे हैं, वो किसके हैं? वो मेरे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या करा है, तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया है। उन प्रॉब्लम्स में तुम जमीन पे थे ही नहीं, बल्कि तुम कहाँ थे? मेरी गोद में थे, मेरी बाहों में थे। तो परेशानियों में वो हमें एक माँ की तरह तसल्ली देता है, क्योंकि हम सब जानते हैं, हमें जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें सबसे पहले हमें मम्मी याद आती हैं। तो वैसे ही परमेश्वर भी क्या करता है, एक माँ की तरह हमें तसल्ली देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाऊल जब वहां पहुंचता है तो क्या होता है। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शैमवेल को चिता रखा था, वहां पे वो शैमवेल से मिलने जाते हैं, और परमेश्वर ने पहले से ही शाऊल के बारे में शैमवेल को बता रखा था। यानी ये प्रॉब्लम जो कि शाऊल की लाइफ में आई थी, ये परमेश्वर की तरफ से आई थी, ताकि वो कहाँ पर पहुँचे, वो शैमवेल के पास पहुँचे और उसका एक राजाभिषेक किया जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में परमेश्वर की वजह से आती है, ताकि हम परमेश्वर के और नज़दीक आ पाए। इसके बाद हम देखते हैं, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू इसराइली प्रजा के स्थान पर के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथों से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। यानी परमेश्वर ने शाऊल के लिए एक अभिषेक, एक पुरस्कार निर्धारित किया था, और जो कमी हुई थी उसके घर में, वो परमेश्वर ने एक आशीष के तौर पर उसको लौटाई, कि वो अपने पिता की गदियों को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया, इज़राइल के ऊपर राजा, इज़राइल के ऊपर प्रजा को उसके ऊपर ठहरा दिया। इसके बाद हम देखते हैं 17वीं आयत में, फिर जब शैमवेल को शाऊल दिखाई पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी ये वही है। अब यहाँ पर शैमवेल को परमेश्वर शाऊल के लिए बताते हैं कि इसी को तुम्हें क्या करना है, अभिषेक करना है। इसके बाद हम देखते हैं 22वीं आयत में, तब शैमवेल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों जो लगभग 30 जन थे उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शैमवेल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोइये ने जांग को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शैमवेल ने कहा, जो रखा गया है था उसे देख।
और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक उसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया था रखा हुआ है। शाऊल ने उस दिन शैमवेल के साथ भोजन किया, तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। सवेरे वे तड़के उठे और पौ फटते ही फटते शैमवेल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वे और शैमवेल दोनों बाहर निकल गए और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शैमवेल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे, परंतु तू खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे शाऊल का अभिषेक किया गया। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अकेले होते हैं तब हमें परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त होता है, तब हम आशीषित होते हैं। फैमिली प्रेयर्स आप करते हैं, मीटिंग्स में आप जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए एकांत में प्रार्थना करना भी उतना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तब परमेश्वर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, तब परमेश्वर की बात हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे उसने अपने सेवक को आगे भेजा और तब उसका अभिषेक किया गया। तो अगर आप फैमिली प्रेयर करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने लिए एकांत में समय बिताइए परमेश्वर के साथ, क्योंकि समय बिताना, संगति करना परमेश्वर के साथ बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने देखा कि कैसे नुकसान हुआ, लेकिन परमेश्वर के ब्लेसिंग से वो जो नुकसान था उसकी भरपाई परमेश्वर ने कितनी अच्छी तरीके से करी कि उसकी पिता की गद्दियाँ खो गई थी और वो ढूंढते ढूंढते कैसे शैमवेल के पास आया और कैसे उसका इज़राइल का राजा के रूप में अभिषेक किया गया। बहुत बार आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई होंगी, हम उन प्रॉब्लम्स में गिर भी गए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि हम और ज़्यादा आशीषित होकर उन प्रॉब्लम्स से ऊपर उठे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ होंगी कैसे तरह तरह की परेशानियों में पड़ने के बाद भी आज हम अपने मुंह से अंगीकार कर पा रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां पड़ने के बाद भी आज हम अपने मुंह से अंगीकार कर पा रहे हैं, क्योंकि ये उसकी असीम दया है। वो हम बदले में हमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, परमेश्वर बस इतना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, हम परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि हर चीज़ जो हम आज हमारी जिंदगियों में है वो परमेश्वर ने हमें दी है। तो जब वो हमें देता है तो बदले में वो हमसे क्या चाहता है, सिर्फ हमारी प्रेयर चाहता है, वो भी विश्वास के द्वारा की गई हो। तो इन्हीं इंक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करना चाहूँगी और आशा करती हूँ ये आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा और इससे आप ज़रूर फलवंत होंगे। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आज जो भी आत्मिक मन्ना परमेश्वर हर एक की ज़िंदगी में बोया गया परमेश्वर, वो 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। जैसे हम बाइबल में पढ़ते भी हैं परमेश्वर, अगर हमारे पाप अगुआ लाल रंग के भी होंगे परमेश्वर, तो आप उन्हें हिम की तरह श्वेत कर देंगे परमेश्वर। तो परमेश्वर हम मानते हैं परमेश्वर, और हम जानते भी हैं परमेश्वर कि आप हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो परमेश्वर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमारे जिंदगियों को परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चलाएं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शुभनम आंटी के लिए परमेश्वर, कि उनकी ज़िंदगी को परमेश्वर आप ब्लेसिंग से भर दीजिए परमेश्वर, परमेश्वर ताकि वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल ठहरे परमेश्वर, और उनके घर को परमेश्वर आप आशीषों से भरिए परमेश्वर। आज जो भी वचन परमेश्वर लोगों ने सुना परमेश्वर, जो आगे आने वाले समय में इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे परमेश्वर, उन सब की जिंदगियों को आप परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दीजिए परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको।